राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी के बैनर तले संतोष सभागृह में हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। घटता हिंदू बढ़ती जनसंख्या को लेकर किए गए इस कार्यक्रम में हजारों हिंदू प्रेमियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नर्मदे युवा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रवेश अग्रवाल ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सचिन भाई ने ऐसा कहा है कि ये भाषण देने का विषय नहीं है, चिंतन का विषय है। तो जो आंकड़े उन्होंने रखे हैं और जो चीजें समझाई हैं, हम लोगों को इसमें जरूर चिंतन करना चाहिए। मैं हिंदू हूँ और हिंदू होने को मुझे बहुत गर्व है, और आज राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी ने यहाँ मुझे अतिथि बुलाया है, ये मेरे लिए और भी गर्व की बात है। अगर मेरे हिंदुत्व पर घात होगा तो मैं प्रतिघात करूँगा। मैं हिंदू हूँ और हिंदुत्व की ही बात करूँगा। हिंदुत्व जब भी वार होगा मैं पलटवार करूँगा, हजार बार करूँगा, बार बार करूँगा। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, घटता हिंदू बढ़ती जनसंख्या, आज बहुत ही सोच में विवश होना पड़ रहा है कि भारत देश के अंदर हिंदू की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है और अन्य समुदायों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो इस चिंतन के लिए हमने ये आयोजन किया हुआ है, जिसमें प्रमुख वक्ता हमारे साथ में आए हुए हैं, जो कि अपनी अपनी वाणी से हमारे युवाओं को मार्गदर्शन दे रहे हैं कि हमारा हिंदू क्यों घट रहा है और सनातन धर्म के अंदर उनकी रुचि किस प्रकार से बढ़ना चाहिए। ये सब चीज़ों के लिए हमने हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया है, जिसमें काफ़ी मुख्य वक्ता लोग हम अपने उद्बोधन से सभी को प्रेरणा दे रहे हैं। मुख्य प्रवक्ता के रूप में राष्ट्रीय छात्र परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री श्री सचिन बघेल, राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रजत छाबड़ा, महासचिव अजय सेरो के, राष्ट्रीय प्रचारक सोनू सोनाने आदि लोग उपस्थित रहें।